स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चैप्टर वन पढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे अच्छा तोहफा पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन बर्डपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। The men said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room. At the back of garage, I begin work on it Christmas Eve. क्या कह रहा है? I spotted it in a junk shop in Birdport, a roll top desk. वो एक Birdport की एक शॉप में फंस गया था, रोल टॉप डेस्क, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैन एक आदमी ये कहानी बता रहा है कि ये 19th सेंचुरी की बात है, जब उसे क्या चाहिए था, कुछ खरीदना था, बट वो काफी एक्सपेंसिव था और काफी बुरी कंडीशन में भी था। रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, काफी सारे पीसेस में वो खराब हो गया था। वन लेग क्लंसली मेंडेड, काफी उसको लगी भी हुई थी। स्कॉच, यानी कि स्कॉच मार्क क्या होते हैं, बर्न मार्क्स होते हैं ना, जलने के। एक साइड जल भी गया था। इट वाज गोइंग वेरी लिटिल मनी, और उसके पास काफी कम पैसे थे। ये रिस्क भी था, बट उसे अपने आप को सेफ भी करना था। अब क्या बोल रहा है वो, उसने क्रिसमस ईव पे काम करना शुरू किया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. क्या कह रहा है, उसने सारा रोल टॉप्स हटाए और सारे ड्रॉर्स को पुल्ड, यानी कि बाहर निकाला। विनीर क्या कह रहा है यहाँ पे, विनीर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। एक प्लास्टिक का बहुत पतला सा टुकड़ा और एक लकड़ी का सुंदर सा, वो उठाया सब जगह से। आगे क्या कह रहा है, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। कैसा दिख रहा है ये, जैसे वाटर वॉटरी डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट यानी शट टाइट, यानी उसमें फंस के रह गए। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने की, बट क्या हुआ, इन द एंड I used brute force. Brute force यहाँ पे क्या कह रहा है, brute force का मीनिंग क्या है यहाँ पे? Brute force का मतलब है कि उसने बहुत ज्यादा एकदम से जोर से निकाला, तो क्या हुआ, reveal a shallow space underneath a secret door. तो उसने बहुत जोर से खींचा ना, तो एकदम से क्या हुआ, ड्रॉर बाहर आई और उसके अंदर एक छोटी सी सीक्रेट ड्रॉर भी थी। There was some there. I reached in and took out a small bag. Sellotaped on to the top, it was a piece of lined notepaper. वहाँ पे एक notepaper था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ, written on it, shaky handwriting. Jim's letter, last letter, received January 25, 1915. कोई जिम नाम का व्यक्ति था, उसका लेटर था, जो कि कब का था, 25 January 1915. To be worried with me when the times come. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiously got the better of it. My scruples I usually does. क्या कह रहा है वो, कि मैं जानता था कि ये गलत है किसी का भी लेटर पढ़ना, किसी की चीजों को हाथ लगाना, बट मुझे बहुत उत्सुकता हो रही थी कि इसमें क्या है, और ऐसे सीक्रेट ड्रॉअर में रखा था तो कुछ तो पढ़ने लायक होगा, है ना। तो उसने वो पढ़ा, उसने कहा लेकिन मैं तो पढ़ूंगा। स्क्रपल्स का यहाँ पे मीनिंग क्या कहा गया है, कि थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था उसे, बट उसने किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एड्रेस था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बर्डपोर्ट, बर्डपोर्ट का ये एड्रेस था, डोरसेट। आई टुक ऑफ द लेटर, आई अनफोल्डेड इट, मैं लेटर निकाला, उसे ओपन किया। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1940। पेंसिल से लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेट डली हुई थी 26 दिसंबर 1940। ये कुछ आंसर्स हैं, इसके आंसर्स हम बाद में करेंगे सारे, है ना।
नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आ रहा है जो लेटर में लिखा था। चलिए पढ़ते क्या कहते हैं। डियरेस्ट कोनी, यहाँ पे किसी कोनी के लिए लेटर लिखा गया है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू। ताकि मैं बहुत खुश मन में लिख रहा हूँ ये तुम्हें, और जो मेरे दिमाग में वो तुम्हें बता रहा हूँ। We were all standing too in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen. वो बता रहा है कि हम सब लोग वहाँ पे एक साथ थे, वो बहुत प्यारी मॉर्निंग थी, और वो कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। तब शांति भी था, थोड़ा शोर भी था, बहुत सुंदर मॉर्निंग थी, काफी ठंडी भी थी। ठीक है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Fritz kya hai, ek German soldier ka name hai. Theek hai, first someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Trenches kya hai, long deep ditches in the ground where the soldiers hide from the enemy. Jaise hum chupke baith jate hain na, to wo ek jagah pe hum trenches karte hain jahan pe ladne ke liye, yuddh mein ladne ke liye chupkar baith jate hain sipahi, ट्रेंचेस कहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि हमने देखा कि कोई उस ट्रेंचेस के पीछे से व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा है, यानी कि पैर लहरा रहा। देन दे वर कॉलिंग टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और ये हमको वहां से कोई बुला रहा है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला तो हम लोग ने भी वहां से चिल्लाया same to you Fritz, same to you Fritz, मतलब यहाँ पे German soldier को Fritz कहा जाता है, common name। I thought that would be that, we all did, but that suddenly one of them was up wearing his great great coat and waving a white flag, और suddenly उनके उनमें से कोई एक व्यक्ति वहाँ से खड़ा हुआ और white flag wave करने लगा। Don't shoot lads, वहाँ से कोई चिल्लाया, don't shoot यानी कि गोली मत चलाना। किसी ने फिर उसकी बात सुनी और किसी ने no one did. Then there was another Fritz upon on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man, it's a trick, but it wasn't. बार बार कोई खड़ा हो रहा था, उन्हें लगा कि कोई ट्रिक है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। One of the German was a waving bottle above his head. It is a Christmas day, Tommy. We had snacks. We had sausages, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking together towards us across no man's land and not a rifle between them. बहुत सारे लोग हमारी तरफ बढ़ रहे थे, वो क्रिसमस था ना, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा था। कोई भी ऐसा राइफल या कोई भी गन वगैरह उनके पास नहीं थी। Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. कोई भी नहीं रोक रहा था उन्हें, मैं officer था। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never been occurred to me I should. I all along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मतलब युद्ध के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरे क्रिसमस में विश कर रहे थे, और पीस यानी कि शांति का माहौल क्रिएट कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन दिस कोनी माय फीलिंग एज आई लुक इनटू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, यानी कि सामने वाले ऑफिसर जो थे उनके आंखों में जब मैंने देखा, वो अप्रोच मी एंड हैंड आउट स्प्रेड, उन्होंने हाथ मिलाने के लिए मेरे को अपना हाथ बढ़ाया, हैंड्स वॉल्व ही सेड, gripping my hand warmly and holding it, I am from Düsseldorf, I play the cello in orchestra, happy Christmas. मैंने हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं Düsseldorf से आया हूँ, मैं cello खेलता हूँ orchestra में, और happy Christmas. ऐसा उन्होंने कहा, तो बहुत अच्छा लगा। cello क्या है, एक musical instrument है, play करता है वो, ठीक है। बहुत बड़ा सा violin होता है ना, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। कैप्टन जिंट मैग पर्सन, उन्होंने फिर मैंने अपना नाम बताया, कैप्टन जो राइटर है वो बता रहे हैं, उन्होंने फिर अपना नाम बताया, माय नेम इज कैप्टन जिंट मैग पर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, डॉरसेट से स्कूल टीचर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड।
Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. वो खुश हुए ये बात जानकर बोलते कि मैं जानता हूँ इस जगह को बहुत अच्छे से. He shared my rum ration and his excellent sauces and we both. Pony, now how we talked. जल भी गए कैसे बात की. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Maddy Crowd. So out there in no man's land, we talked in Bathsheba and Gabriel Oak and Sigrun Froy and Dorset. हमने मतलब बहुत सारी बातें की. ये कुछ जगह हैं इनके बारे में बात की. ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो हमने ना कहा. He had a wife and one son. की एक वाइफ और एक बेटा था बॉर्न जो कि 6 महीने पहले ही हुआ था. As I looked about me, there was huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. बहुत सारे लोग थे. हम सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, खाना खा रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Only he thought the marzipan was the best he had. He was my enemy. There ever was a Christmas party like it? Pony. मतलब वो कह रहा था कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं इस तरह की भी क्रिसमस पार्टी होगी. और मार्जिपेन क्या है यहाँ पे केक के ऊपर बहुत अच्छी सी लेयरिंग है मतलब स्वीट सी एग्स और आलमंड से मिक्स. ओके देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. जाने कौन हमें से एक फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोच्स वर डंप इन अ पाइल टू मेक गोल पास एंड देन एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टिमी Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. मतलब किसी ने कहा कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं कौन अच्छा खेलता है. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out cold as much as anything. खेलेंगे तो थोड़ी सी गर्मी भी लगेगी, मतलब सर्दी नहीं लगेगी और मजा भी आएगा. So let's play. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson. उसने कहा. I think this is how we should resolve this war, a football match. उसे लगा कि शायद football match से हम ये जो युद्ध है war है इसको हम resolve कर सकते हैं. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. और क्या कह रहा है इस लड़ाई झगड़े में अगर हम football match के जरिए कुछ भी हार जीत का करते हैं फैसला तो इसमें कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे, कोई भी wives widow नहीं होंगी और किसी को भी अपनी जान से नहीं जाना चाहिए. I would prefer cricket. मैंने कहा कि मैं तो cricket खेलना चाहूँगा. Then we Tommies would be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say. हम लोग हंसने लगे ये बात सुनके. और फिर Pony Frizz won 2-1. Pony Frizz आपस में लोग खेल रहे थे, किसी एक का गोल हो रहा था दूसरे का नहीं होता. But as Hans Wolf generally said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब ये खेल शुरू हो रहा है इन लोग के बीच में. द टाइम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड द स्नैक्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. मतलब ये सब हो जाए, ये गेम हो जाए, ये फाइटिंग खत्म हो जा रहा हूँ, सब लोग अपने घर जा सकते. I think that it was every soldier wants on both sides. Hans Wolf ने कहा कि ये तो शायद हर जो सिपाही है, soldier है, वो हर कोई यही चाहता है कि ये जो war है वो resolve हो जाए. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. I saluted and walked away from me slowly and willingly. I felt returned to wave just once and then became one of the hundreds of gray-coated men drifting back towards their trenches. मतलब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा और मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. और ऐसा बोलकर वो हाथ हिलाते हुए अपने trenches यानी कि वापस से अपने side पे चले गए. That night back in a draw. Dugouts क्या होता है, शेल्टर होता है जहाँ पे सोल्जर्स गड्ढा खोद के अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं और अपने आपको कवर करते हैं. It was still night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds' watch. We exchanged carols for a while, then we all fell silent.
We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. क्या कह रहा है वो कि हम सब लोग बातें करते करते फिर चुपचाप से बिल्कुल साइलेंटली हो गए और जाते सो गए. Dear Sony, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distance and terrible memory. वो जिसको इसने लिखा है, Dear Sony, जिसको भी ये वो कर रहा है संबोधित, वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक इस क्रिसमस तक ये वॉर खत्म हो चुका होगा और ये एक टेरिबल मेमोरी नहीं होगी, अच्छी मेमोरी थी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again. Sure, I'm sure of it. देखा कि ये जो वॉर है, ये जो भी हुआ आज, ये एक शांति का प्रतीक था और हम लोग जल्द ही एक साथ होंगे. I'm sure of it. You're loving Jim. Jim नहीं लगता. ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी अभी हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर से. नेक्स्ट क्या है? I folded the letter. I'm now just the letter पढ़ा था. उसने letter fold किया and slip it carefully back envelope में वापस रख दिया. I kept वो सारी रात में जागता रहा. Morning में मुझे पता था मुझे क्या करना है. मैं bird fold गया. You might have I asked the boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने लड़के को पूछा जो एक डॉग के साथ था कि ये बीचेस वगैरह कॉपर बीचेस कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शिप. यानी कि हाउस नंबर 12 जिसको वो ढूंढते हुए गया था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो जल चुका था और पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था. द रूफ कैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप. आई नॉक्ड ऑल इन द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. एक्चुअली मुझे लेटर था वो मिसेस मैकपर्सन के लिए था ना, तो वो ढूंढ रहे थे उनको कि शायद मिल जाए. किसी को आसपास भी पूछा उन्होंने. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स. कोई ओल्ड मैन ने उनको बोला. ओ यस ही न्यू हर. वो जानते थे उसको. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी. 101 इयर्स ओल्ड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out in just time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. Kya hua us lady ke saath ki wo hamesha electricity bachane ke wajah se pure ghar mein candles lagate thi. To kuch time pehle unka wo ghar jal gaya tha. बट जो फायर ब्रिगेड्स और जो फायरमैन आते हैं उन्होंने हमें बचा लिया था. अब वो एक नर्सिंग होम में है और उन्होंने वहाँ का एड्रेस भी दिया कि ऐसे ऐसे इस नर्सिंग होम में वो. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटिंग क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस पर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. उनका मिसेस मैकपर्सन के लिए मैं कुछ क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. जैसे कहिए एक फ्रेंड आया है. आई कुड सी थ्रू इट इन द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. जो डाइनिंग रूम था वहाँ पे सब लोग हैट पहने हुए थे और सिंग कर रहे थे. मैटन हैड अ हैट ऑन टू. जो मैटन थी उनके पास भी हैट थी और सब काफी खुश थे मुझे देखकर. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई. उन्होंने मुझे कुछ खाने के मतलब ऑफर किया, यानी कि कहा. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. मिसेस मैकपर्सन नॉट इन विद द अदर्स. शी टोल्ड मी शी इज वेदर कंफ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. शी हैज नो फैमिली यू नो नो वन विजिट सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. उन्होंने मैकपर्सन के बारे में वो बता रही थी कि उनको कोई मिलने नहीं आता, उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन आई थिंक तो आप आए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके आपसे मिलकर. तो क्या बोलती है वो कि शी टुक मी और फिर वो कहाँ लेके गई. कॉन्ट्रोवर्सी विच विकर चेयर्स एंड प्लॉटेड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर हर हैंड्स वर फोल्डिंग इन हर लैप. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विस्की बन. शी वॉज गेजिंग आउट टू द काउंटर. हेलो, मैंने देखा वहाँ पे एक लेडी व्हील चेयर बैठी हुई है अपने हाथों को ऐसे रख के. एक उनके बाल भी सफेद हो चुके हैं और काफी सुंदर सी एकदम शांत लेडी वहाँ बैठी हुई है. मैंने हेलो बोला. हेलो, शी टर्न्ड आउट एंड लुक एट मी. उन्होंने मुझे तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी.
मैं अंदर हैप्पी क्रिसमस को नहीं बोलता, वो गया आई फाउंड दिस इट वाज आई थिंक इट्स योर्स, उसने वो लेटर बॉक्स दिखा दे बोला कि मुझे ये मिला है एंड आई थिंक ये आपका है. एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माय गेव फेस. आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड. With a sudden glow of happiness, I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मतलब वो बॉक्स देख के इतनी खुश हुई, मैंने बता रहा था कि कैसे मैंने ये बॉक्स ढूंढा, मतलब मुझे कैसे मिला, बट वो शायद मुझे नहीं सुन रही थी, वो बस कंटिन्यूसली उस लेटर और उस बॉक्स को देख रही थी, वो मतलब कंटिन्यूसली उस लेटर को देखे जा रही थी. Suddenly she reached out and took my hand. Eyes were filled with tears. उनकी आंखें आंसू से भर गईं, मतलब वो काफी खुश थी उसको देखते. You told me you would come home by Christmas, dearest. उन्होंने कहा कि आपने बताया कि आप यहाँ आए हैं क्रिसमस का प्रेजेंट देने. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. उनका ये तो सबसे अच्छा तोहफा है क्रिसमस का, और जिम आओ यहाँ मेरे पास बैठो. Sat down beside and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were me. And now you are. Now you're back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? उन्होंने कहा कि मेरे कान तरस गए थे इस लेटर को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और क्या तुम मेरे लिए लेटर पढ़ोगे? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने आपको केक बनाया है आपके लिए, और मैं जानता हूँ आपको ये वाला केक marzipan यानी कि एक अच्छी सी लेडी वाला केक ना पसंद है. अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे. जैसा लिखा है आपको वैसा ही सब कुछ नोट डाउन करना है. क्वेश्चन 1, व्हाट डिड ऑथर फाइंड इन जंक शॉप. पेज नंबर्स डले हुए हैं, क्वेश्चंस डले हुए हैं और उनके आंसर्स हैं, आपको इसमें से लिखना है. ठीक है, हम आपको पूरा टाइम देंगे कि आप आराम से लिख सकें, आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके या जैसे भी आप लिख सकें आप इसमें से देख के इसको नोट डाउन करेंगे. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 14 के, ये 4 to 5 क्वेश्चन आंसर्स है. देख लीजिए इसको, यहाँ पर स्टॉप करके आप इसको लिख लेना. फिर डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम, हाउ डू यू नो दिस. ये रहा पेज नंबर 15 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बर्ड कोड के बारे में, है ना, मिसेस मैकपर्सन के बारे में. अब पेज नंबर 16 पे हैं ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स. अब वीडियो को पॉज कर करके इसमें से नोट डाउन कर लेना. ओके, अभी हमारा कुछ ग्रामर पोर्शन आता है. फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर. ये कुछ लॉगिंग विद टेक्स्ट है, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ आंसर्स हैं. इतने आपको उसको टाइम देती हूँ देखने के लिए, है ना. ये देखती हूँ ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, आप स्टॉप पे करके लिख सकते हैं आराम से. अभी क्वेश्चन नंबर 5, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा राइटिंग में सुंदर सा एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है, आपके पास काफी टाइम है. ठीक है, आपको नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है,
दिस पोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, पोनी का क्या क्रिसमस प्रेजेंट था और वो बेस्ट होगा, अभी हमने पढ़ा था कि हस्बैंड का लेटर उसको मिला था इसलिए वो बेस्ट था उसके लिए, है ना। टाइटल यहाँ पे स्टोरी के लिए कुछ और टाइटल भी हो सकते हैं क्या, आपको कुछ टाइटल हमने बताए हैं कि हाँ ये टाइटल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा आपका ग्रामर पोर्शन है कि आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको वर्ड्स के फॉर्म चेंज करके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे हमने पास्ट और अर्लियर पार्ट से रिलेटेड इन सेंटेंसेस में से फाइंड आउट किए हैं ये वर्ड्स, तो आपको ऐसा ही टेबल बनाना है। ये डिक्शनरी वर्क है, डिक्शनरी से देख के इन कुछ इनके मीनिंग्स अपने चैप्टर में कहाँ पे ये वर्ड्स यूज हुए और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये वर्ड्स है इनको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं सारी चीजें। ये टेबल है जिसमें नाउंस और एडजेक्टिव्स की लिस्ट है, ठीक है। ये राइटिंग पार्ट है, यहाँ पे हम एक स्टोरी लिखेंगे जो कि स्टार्टिंग कर दिया उसको कंप्लीट हमें करना है, ठीक है। तो ये स्टोरी ये है पूरी, तो आप लिखना ऐसे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे ये हमने फिल इन द ब्लैंक स्टोरी हुई इसको कंप्लीट करना, स्टोरी के साथ में कुछ आउटलाइंस दी हुई है इन वर्ड्स को यूज करके आपको इस स्टोरी कंप्लीट करनी, ओके। इसको लिख लीजिएगा, आउटलाइंस भी लिखिएगा जैसा दिया है वैसा ही नोट डाउन करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो यहीं पे अपनी क्लास खत्म होती है, आप लोग ये काम डेली का डेली करें क्योंकि आपको डेली ही क्लासेस ऑफ सारे सब्जेक्ट्स में काम मिलेगा, आप डेली कंप्लीट करें और जिस दिन हम आपसे कहेंगे उस दिन हम आपकी कॉपीज भी चेक करेंगे, कभी आपको बताएंगे, आपको टाइम टेबल लिखवा दिया जाएगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।